Sắp tốt nghiệp rồi. Bài tập. गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। अभी हूँ मैं खाओ साओ विलेज में। इस गांव का नाम है खाओ साओ, जो क्योंकि सहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसे कल्सो ईस्ट भी कहते हैं। और हम लोग यहाँ पे रूम रेंट पर रह रहे हैं एक महीने में 5,000 रुपीस, जो क्योंकि जितने भी आदमी हो हम यहाँ पे रह सकते हैं। ये रहा मेरा दोस्त एलन भाई, हम एक साथ रह रहे हैं और अभी मैं आपको अपना रूम दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा हमारा रूम और ये रहा हमारा सीनियर, जो यहाँ पे कुछ आदमी रहते हैं। ये हमारा रूम है, बहुत कंफर्टेबल रूम है। और ये रहा किचन, ये रहा हम यहाँ पे रहते हैं एक महीने में 5,000 रुपीस देने पड़ते हैं। ये रहा वॉशिंग रूम और ये रहा बाथरूम। तो गाइस यहाँ पे आया हुआ मेरा ऑलमोस्ट 3 दिन हो गया और शर्माने की कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था और आज ऐसा फील हो रहा है कि वीडियो बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए बना रहा हूँ वीडियो। एंड आई वुड लाइक टू शो यू द विलेज ऑफ खाओ साओ। मैं आपको खाओ साओ विलेज दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको वो विलेज दिखाना चाहूँगा अभी। नाउ गाइस मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको गांव दिखाने जा रहा हूँ। मैं बाहर आ चुका हूँ, ये रहा हमारा अपार्टमेंट और बाहर कुछ इस तरह से दिखता है। मैं इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ बाज़ार है। अगर अब इस तरफ जाओगे तो सहार डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा। इस गांव के अंदर ज़्यादातर मारा लोग रहते हैं, जो क्योंकि ये गांव ऑलमोस्ट एक सब सेंटर है, जो कि यहाँ पे बाज़ार होता है और सब लोग बाज़ार करने भी आते हैं। ये कोलोडाइन ब्रिज के इस पार में है, मतलब सहार डिस्ट्रिक्ट के पार में, उस पार जो है वो LADC है। पहले मैं बाज़ार की तरफ जाऊंगा, उसके बाद ट्राई करूंगा पूरी गांव जो अराउंड है मैं घूमूं, फील्ड में या तो प्लेग्राउंड में। वो रहा बाज़ार सेट, ये रहा रेस्टोरेंट और ये बाजार है। दिस इज द मार्केट ऑफ खाओ साओ, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा। छोटा सा बाजार, गांव नीचे की तरफ भी है और मैं उस तरफ जाना चाहूंगा। यहाँ पे आके मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज मिला है और आज से 2-3 साल पहले इस गांव में मतलब सिप हुए थे बार्मेश लोग, जो क्योंकि म्यांमार सरकार ने उसे आउट कर दिया था उनके कंट्री से, और वो लोग बार्मेश वाले इधर आए हैं। और मैं आपको थोड़ी देर में वहां पे जाऊंगा, जो लोग यहां पे आए हैं और टेम्पोरारी घर बना के उधर रह रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूं कोलोडाइन रिवर की तरफ, कोलोडाइन रिवर जाऊंगा। सॉरी गाइस मैं आपको इतनी डिटेल्स दे नहीं सकता क्योंकि मुझे भी इस गांव के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, और मैं ट्राई करूंगा कोलोडाइन रिवर ढंग से आपको दिखाऊंगा। गाइस हम पहुंच रहे हैं कोलोडाइन रिवर। सभी लोग इससे कॉल्सो कहते हैं, लेकिन इसका नाम मैंने पढ़ा है बुक में,
इसका नाम है कोलोडाइन रिवर। ओ भाई, यहाँ से लोग बालू ले जाते हैं, लॉन्गलाई में हो या बहुत सारे यहाँ से सप्लाई होता है बालू। लुंगले में भी यहाँ से ही लेके जाते हैं बालू। और वो रहा कोलोडाइन ब्रिज, सब लोग कोलसो के नाम से जानते हैं, बट इसका नाम कोलोडाइन है, मैंने ऐसा पढ़ा है। और गाइस, हम नज़दीक हैं कोलोडाइन रिवर। ओ भाई, कितना साफ सुथरा पानी है ना। और इन लोगों का बोट देखिए आप, पता नहीं कैसे बना दे ये बोट भाई। स्टील से बना हुआ है बोट, और कैसे जर्नी करता है, मुझे तो अभी डर लग रहा है इस बोट को देख के भाई। देखिए ना आप, ओ भाई, ये रहा कोलोडाइन रिवर भाई। एक्साइटेड था मैं भी, पहली बार ही कोलोडाइन रिवर पर आ रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। देखिए ना कितना, ओ भाई, ओ भाई, कोलोडाइन रिवर, कोलोडाइन। अगर हम गिर गया तो भाई, देखिए ना भाई, कोलोडाइन रिवर नॉन एस कल्सो। मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है कि ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है, और ये जो रिवर है तुइसोंग से भी रिलेटेड है, जो तुइसोंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। टेम्पा बाइटोंग थे मैम, बाइटोंग मा केम ना सप्तोंग थे मैम, केम ना शायद यहाँ के लोग, मतलब ये यहाँ पे तेम्पुरारी के लिए आते हैं, अपना खाना इधर ही खाते होंगे पका के। और मैंने उस बंदे से पूछा है कि उसे हिंदी और इंग्लिश, लेकिन उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आता था, तो मैंने पूछा ऐसे जैसे करके कि ये काम आप कैसे करते हो। उसने बोला हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, 1407 में अगर हम लोड कर देंगे तो 5000 रुपये मिलते हैं ऐसे करके। अगर आप मिजोरम का है तो आप जानते होंगे कोलसो बालू इस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बालू, जो क्योंकि मजबूती से नाम से भी जाना जाता है कोलोडाइन रिवर। ओ भाई, मैं उस ब्रिज की तरफ जाना चाह रहा हूँ, पता नहीं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, बहुत दूर है भाई। क्या नज़ारा है भाई, ओ भाई, कोलसो कोलसो कोलोडाइन रिवर, जो क्योंकि पॉपुलर है। मुझे ना मिजो भाषा सिर्फ दो ही शब्द आते हैं, वो है बाइटोंग थिया मैम, सप्तोंग थिया मैम। मुझे तो मिजो नहीं आता, और अगर उन लोगों को हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत आता तो मैं कुछ और ढंग से पूछ पाता, ढंग से डिटेल ले पाता। पर एक तो मुझे मिजो नहीं आता, दूसरी इन लोगों को हिंदी नहीं आता थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है।
वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर इसी बोट से ट्रैवल करते हैं, या तो उस साइड में जाना हो या तो नीचे की तरफ जाना हो, लोग इसी बोट को इस्तेमाल करते हैं। अजीब बात है यार, इंडिया में होकर इन लोगों हिंदी नहीं आता, यही सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट है। डिटेल पूछना था यार, पूछ नहीं पाया। नाउ गाइस, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैं आपको जो बताया था जो म्यांमार वाले, मैं अभी उस तरफ जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है यार, उसके बारे में वीडियो बनाना सही होगा कि नहीं पता नहीं, वो लोग बनाने देंगे कि नहीं, फिर भी मैं उधर जाना चाहूँगा। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा उन लोगों का घर और उन बेचारे मासूम लोगों को भी। बाय, थक गया हूँ यार। नाउ गाइस, मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ जिसकी तरफ है बर्मिश वाले। इस गांव के अंदर मिजो भी रहते हैं और मारा भी, स्पेशली मारा। भाई इतना दूर है, सोचा नहीं था उन्होंने इस तरफ दिखाई दिए तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत दूर लग रहा है मेरे को यार। अगर उन लोगों में से किसी एक को हिंदी या इंग्लिश आता तो भाई मेरे लिए बेटर होता, ज़्यादा डिटेल्स ले पाता। दौड़ रहा हूँ यार, एक्सरसाइज भी हो रहा है और जल्दी भी पहुँचूँगा। सब कौन क्या मैम बाय मैं पहुँच गया हूँ। बहुत डिफिकल्ट हो गया यार, ना तो इन लोगों को हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती तो बहुत अच्छा होता। उन लोगों का घर, टेम्पररी घर बना के इधर आए। मुझे डर लग रहा है अगर ये लोग वीडियो बनाने में कुछ मना कर दिए तो। मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता है, मुझे सिर्फ ये बताया गया कि ये लोग म्यांमार से आए, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं टेम्पररी घर बना के। बोल रहे थे हिसाब से ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गया होगा, बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं यार। स्पेशली अगर इन लोगों को हिंदी आता बेटर होता, डिटेल्स सारी डिटेल्स ले पाता, कब आए क्यों आए ये सब। आए ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आया भाई, मुझे लगता है आगे भी है इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे बताया गया हिसाब से नहीं, इन लोग के पास डॉक्यूमेंट है अभी तक इंडियन का, म्यांमार से आए हैं तो। तो भाई मैं और आगे जा नहीं सकता, यहाँ तक आया हूँ, आगे बहुत सारे होंगे और का घर होगा भाई। मुझे पूछताछ करने का दिल कर रहा है कि कब आए हो क्यों आए हो ऐसे करके, कि अभी तक इंडियन डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, पर कैसे पूछूं यार, ना इन लोगों को हिंदी आता है ना ही कुछ, ना ही मुझे मिजो आता है ना ही इन लोगों का भाषा। तो गाइस आज की एपिसोड बस इतने तक की है, और कोलोडाइन रिवर और आपको काओसाओ बाजार और इन लोगों के बारे में क्या विचार है ज़रूर कमेंट पर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस सब लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, गुड बाय अगले वीडियो तक।
है।